गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस आज पिछला ब्लॉग आपने देखा कि मैंने पूरे घर में सभी को मुंह मीठा कराया, बस हमारे चाची और यूवी सब बच गए थे, इन लोगों को नहीं खिला पाया, लेकिन इन लोगों को भी खिला दिया है मैंने। आने के बाद ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया क्योंकि ये ब्लॉग मैं शुरुआत कर रहा हूँ और घर से आज निकल रहा हूँ बाहर जाने के लिए। हमारा बैग इधर भाभी ने पैक कर दिया है, जो लोग देख रहे हो उधर से पास रखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले चलते हैं उसी शॉप पे जहाँ अभी देखो मीठा खरीद के आया हूँ, फिर चलते हैं उसी शॉप पे मीठा खरीदते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहेंगे, आप लोग को पता चलता रहेगा। और मामा बन गया हूँ, खुशी है, अमित किट्टो को भी बधाई दे दिया है और मम्मी पापा बन गए, विनय भाई भी बहुत ज़्यादा खुशी थे, मम्मी की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, बहुत ही इमोशनल हो गई थी, लेकिन भगवान ने जो दिया बहुत ही अच्छा दे दिया है और हम फाइनली मामा बन गए हैं। आप लोगों ने भी बधाई दिया मुझे, हमारे यूट्यूब फैमिली ने मुझे कमेंट करके मुझे बधाई दिया, मामा बन गए हो, आपकी मम्मी नानी बन गई हैं, अमित किट्टो को बधाई दे दी, पापा बन गए हैं। तो आप सभी यूट्यूब फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ढेर सारा प्यार आप लोग को हमारी तरफ से भी मिले कि आप लोग यूँ ही दुआएं, यही हुई अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमारे पूरे फैमिली को देते रहिएगा जैसे आज तक आप लोग देते आए हो। तो जो लोग चैनल पर नए बने हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए बने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत छोड़ेगा और 1,00,000 यूट्यूब फैमिली हमारा कंप्लीट इस साल तो हो ही जाइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत दिन से आशा रखता हूँ कि आप लोगों से कि फटाफट अगर चैनल वीडियो देखते हो, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, अब करे रहेंगे तो हमारा वीडियो अपने नोटिफिकेशन में शो करता रहेगा। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और चलते हैं फिर शॉप पे मीठा खरीदते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ और किस क्या खुशी रहेगी वहाँ पहुँचने के बाद, सरप्राइज रहेगा क्योंकि अभी बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी नहीं पता है जहाँ जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ ऐसी जगह आप लोगों को थंबनेल देखोगे तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल चलते पूछते हैं कि इसको मामा बनने की खुशी कैसा लग रहा है, क्योंकि ये था नहीं अगले वीडियो में हमारे, तो वैसे जाहिर इसकी मतलब फीलिंग समझना चाहता हूँ कि फिर से मामा बने हुए हैं तो कैसा लग रहा है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मामा बन चुके थे, फिर एक बार और मामा बन गए, किट्टो भी बेबी हुआ पहली बार फर्स्ट टाइम, अब फिर आगे देखते हैं पहुंचता है किट्टो घर की नहीं पहुंचता है। ऐसा जाने का मन कर रहा है क्या? जाने का मन है, ऐसा जाने का मन का भी है, तो चलो साथ चल देते हैं, पहुंचते हैं देखते हैं कब पहुंचेंगे, देखते हैं नहीं आगे चलना है तो चल दो। तो आप लोग से बने रहे ब्लॉग के अंत तक, मिलते हैं शॉप पे। तो गाइस पहुंच गए, जैसे मैंने बताया कि उसी दुकान पे चल रहे हैं, फिर हमसे भाई मिल गए यहाँ पे। इस बार हम कौन कौन से मीठा ले रहे हैं आप लोग को बता देते हैं, पहले तो एक लड्डू ले लेता हूँ जो कि शुभ होता है, और एक मीठा और लेंगे, दे दो भाई 1 किलो दे दो लड्डू, 1 किलो का दूसरा मीठा, और दूसरा मीठा कौन लेते हैं ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ मैं जा रहा हूँ उनके ब्लॉग में। तो आज घर से रवानगी कर दिया हूँ और कब पहुँचते हैं आप लोग को दिखाते हैं, और ये सस्पेंस वाला वीडियो है, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा जब मैं पहुँच रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से बुलावा आ रहा है, बहुत दिन से बुलावा आ रहा है कि चले आओ चले आओ। तो आज मैं मूड बना लिया कि आज बेबी भी आ गया है और इतनी खुशी का माहौल है, तो वहाँ भी पहुँच के सरप्राइज दे ही देता हूँ कि उन लोग को भी लगे ना कि हाँ कि याद किए चले हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मीठा वगैरह मुझे गणपति दे रहे हो क्या भाई? हाँ चलो जो तुम्हारा मन करे वही पैक कर दो, और एक मैंने लड्डू ले लिया है। तो गाइस फाइनली मैं इसी शॉप पे आया हूँ जहाँ से मैं हमेशा मीठा लेता हूँ, फिर दीपू भाई मुझसे मिल गए हैं, ये तो हमको एकदम चाहते हैं हमारे दिल से, दिल से चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है, सही बात है। तो भाई बने रहे ब्लॉग में, यहाँ से लेते हैं फिर रास्ते में चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आप लोग को पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाइक से जा रहा हूँ तो आप लोग गेस करोगे कि लोकल ही जा रहा हूँ, और लोकल बहुत दूर नहीं है, और बता देता हूँ आप लोग को मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि रोड इतना ख़राब है ना, चलते चलते हालत हो जा रही है ख़राब,
और गांव का मजा ही कुछ अलग है। बाइक चलाओ और रोड का जब ये खड़वी खड़वी करता है ना, कमर शरीर सब हिलने लगता है। तो मैं फाइनली गाइस जा रहा हूँ किट्टो के ससुराल, क्योंकि वहाँ भी पहुँच के धमाकेदार सरप्राइज देने वाला हूँ। और आप लोग को बता दे रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि जो थंबनेल गाइस लगा हुआ है आप लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किट्टो ससुराल पहुँच चुका हूँ। और ये हरियाली खेत आप लोग देख रहे हो ना, ये चीज़ें गाँव में देखने को मिलती हैं। और किट्टो ससुराल में क्यों जा रहा हूँ आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ रहा था बार बार कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और मैं कहा चलिए आते हैं किसी दिन। मैं करीब एक हफ्ते से तैयारी करके रखा हुआ था कि मैं जाऊंगा बहन के ससुराल, तो अच्छा भी लगेगा उनको। तो दीदी इस समय घर पे अकेले ही थी और जीजा भी थे। जीजा जी भी कह रहे थे यार दीपक आते नहीं हो कभी, तो आज मैं सबका दिल रखने के लिए सबका मान रखने के लिए आज इस मौके पर पहुँच रहा हूँ और सबको सरप्राइज भी दे दूँगा, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं है। और आज पहुँचे गए उन लोग को कैसा लगता है, मेरा सरप्राइज कैसा लगता है, तो आप लोग को दिखाएंगे। बने रहेगा आप लोग ब्लॉग के अंत तक और पहुँचते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आज मैं दीदी ससुराल मतलब किट्टो ससुराल पहुँच के कैसा लगा, यानी दीदी मतलब बन्ना दीदी और किट्टो माने किट्टो। तो पहुँचते हैं वहाँ पे फिर आपसे मिलते हैं, बने रहेगा ब्लॉग के अंत तक, मिलते हैं ससुराल उसके पहुँचने के बाद। A few moments later. दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले मुलाकात दीदी से हो रही है। हंसी वाले नेता पहले जी जी का चलते हैं अंदर। नहीं घर से लंबा पड़ गया था ना, तो वैसे मैं आया यहाँ, ये हमारे पास पड़ गया था तो हमारे ऐसा है मधुरागंज वाली हुई क्या सही पर सही पर रोड खराब है। अच्छा 5-6 मिनट है बाकी सब सही बा। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं किट्टो के ससुराल और थोड़ा सा स्विचबोर्ड निकाल लेते हैं, अंदर भी चलना है आते हैं। फिर यहाँ से बात जीजा जी से ले लिया हूँ, अब अंदर चल रहा हूँ, देखते हैं दीदी सानिया क्या कर रहे हैं सब लोग। सबको आश्चर्यचकित कर दे रहा हूँ, काला काला चेहरा आ रहा है यार। ओहो सानिया इधर पढ़ रही है, क्या पढ़ रही हो सानिया? अच्छा आज ही पढ़ गई, खाली हुई हो बस सब पैक कर रहे सामान। ओहो चलो पढ़ती रहो बाकी गाइस। दीदी छत पे गई है, छत पे गई है, छत पे गई आती हैं तो फिर मिलते हैं यार, क्योंकि कोई मतलब अच्छा लग रहा है बहुत और इतनी खुशी का माहौल है कि आज बेबी भी आया है और इस मौके पहुंच चुके हैं। सने कैसे लग रहा है? अच्छा छोटा है। बेबी आ गया है तुम्हारे लिए? अरे मेरा कोई यार तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे किसी को कुछ कहने का मौका, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, सब उल्टा मुझे ही नहीं कुछ कहते। नहीं क्यों नहीं कहते हैं, सानिया है सब ना आपको प्यार दुलार देते हैं। वो तो सबको ही देते हैं, घर में सबको मिलता है। तो छोटा बेबी आ गया है सानी, आप बड़ी दीदी बन गई हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी, पहले तो आइए तो सही, अरे आशीर्वाद तो ले लीजिए। दीदी इधर आ रही है, जल्दी से शादी हो जाए। नहीं बिल्कुल, अरे हो जाएगा हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं समाप्त, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखने को मिलेगा। बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, लव यू।